अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी पाठशाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो पत्र है वो है अपने मित्र को पत्र लिखना है, जिसमें किसी ऐतिहासिक पर्यटन का आंखों देखा वर्णन किया गया हो। मतलब आप कहीं घूमने गए हो और आपने वहाँ क्या देखा उसके बारे में अपने मित्र को, फ्रेंड को आपको एक पत्र लिखना है। तो इसमें हम, अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पत्र लिखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तरीका अलग होगा, वो भी अपने मित्र को, या अगर अपने भाई को, अपने बहन को, फ्रेंड को, पेरेंट्स को, किसी को भी अगर हम पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, तो उसका तरीका अलग रहेगा। और अगर किसी आप ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में लेटर दे रहे हो, तो वहाँ का जो पत्र लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे कि स्कूल में हम लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस और डेट, फिर लिखेंगे प्रे राजीव, जिसको आप खतर लिख रहे हो। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला है, क्या कारण है? आशा है कि तुम कारण से अवगत कराओगे। हमारी शाला के छात्रों का एक दल गत सप्ताह ऐतिहासिक स्थल मांडवगढ़ देखने गया था। मांडवगढ़ यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक अत्यंत रमणीक ऐतिहासिक स्थान है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है, इसके चारों ओर गहरी खाई है। यहाँ अनेक प्राचीन इमारतों के खंडर हैं, जो अपनी स्थापत्य कला की गौरवशाली गाथा कह रही है। रानी रूपमती तथा बाज बहादुर के महल, जहाज महल और हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा, नीलकंठेश्वर, चंपा बावड़ी आदि दर्शनीय स्थल है, जो मार्गदर्शकों का मन मोह लेते हैं। हमारी ये यात्रा बड़ी आनंददायक और शिक्षाप्रद रही। तुम्हारा मित्र अरुण। ये हो गया हमारा एक लेटर जो हमने अपने फ्रेंड को लिखा। अब इसमें आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में भी आता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।